दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2023 के मिनी ऑक्शन में धमाका मचाने वाली है। और दोस्तों साल 2022 के अंत में होने वाला है 23 का मिनी ऑक्शन और एक लिमिटेड पर्स मनी के साथ टीम के क्या जाने वाली है। तो यार काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पर मैसेज आए थे और काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, तो आज होने वाली है आप सभी के लिए एक फ़ैन स्पेशल वीडियो जिसमें यार बात की गई थी। काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि ओवरसीज़ टारगेट प्लेयर कौन कौन होने वाला है। सो यार मैं आपको ओवरसीज़ टारगेट प्लेयर्स के बारे में ही बताने वाला हूँ कि टीम केकेआर कम पैसों में किस किस को टारगेट करने वाली है और आप भी थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो। सब तो नहीं आएंगे, काफ़ी कम स्लॉट बचे हैं ओवरसीज़ के। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, केकेआर के बड़े वाले फैनों तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन जरूर कर लो। सो दोस्तों कुछ नए नाम भी टीम केकेआर के साथ जुड़ सकते हैं तो कुछ रीबाय नाम भी जुड़ सकते हैं। अकॉर्डिंगली दोस्तों टीम केकेआर अपनी पहली प्लेइंग 11 तो चुनी चुकी है, तो यार अब जो भी आएगा वो बैकअप के तौर पर आएगा। तो मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि यहाँ पर एक इंडियन एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए और एक विकेट कीपर चाहिए, ये दो अगर मिनी ऑक्शन में हो जाते तो वेल एंड गुड, क्योंकि इसके बाद फिर उनको एक अच्छा ओपनर भी एक विकल्प के तौर पर लेना ही है। तो यार मैं आप सभी दोस्तों को बता दूं कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में पहली बार अपना नाम दे रहे हैं, ओवरसीज़ की ही बात यहाँ पर हो रही है। डोमेस्टिक में तो आप सभी को पता ही है, हम काफ़ी सारे नाम आपको बता चुके हैं, और चाणक्य पंडित यानी चंद्रकांत पंडित वो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी कुछ टारगेट लिस्ट बनाकर बैठे हैं ऑलरेडी डोमेस्टिक और मिनी ऑक्शन के लिए। तो यार दोस्तों आपको वरी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओवरसीज़ प्लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर जो रूट, फिल सॉल्ट, बैन मैकडरमंट, निकोलस पूरन, शाकिब अल हसन और एंड्रिज क्लासेन। तो यार आपने देखा होगा कि जो मैक्सिमम नंबर है इनमें ना यहाँ पर विकेट कीपर है और दोस्तों स्लॉट टीम केकेआर के पास केवल 3 ही है। तो यार जो रूट तो क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अपना नाम दिया है तो हो सकता है टीम केकेआर उनको ले ले, काफ़ी कम प्राइस में मिल जाए, क्योंकि पहले जब वो नाम देते तो अनसोल्ड जाते थे। निकोलस पूरन फॉर्म में नहीं है, सस्ते में मिल सकते हैं। बाकी हेनरिच क्लासन का भी एक्सपीरियंस आईपीएल को लेकर अच्छा नहीं रहा है, पर फिल सॉल्ट और बैन मैकडरमंट अच्छे हैं। आप कमेंट करके जरूर बताओ ओवरसीज टारगेट प्लेयर्स में से टीम के कह के पास 3 स्लॉट है, तीनों भरते हैं या कम भरते हैं तो कितने प्लेयर कौन कौन से होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।